यह विद्युत रसायन की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग केवल डेनियल सेल के बारे में समझेंगे कि डेनियल सेल क्या होती है। तो डेनियल सेल क्या है? यह एक गैलवानी सेल है। गैलवानी सेल या विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टेज सेल, आपको मैंने समझाया है कि ऐसी सेल जिससे हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे क्या कहते हैं? गैलवानी सेल, विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टेज सेल। तो डेनियल सेल क्या है? एक प्रकार की विद्युत रासायनिक सेल है। तो देखिए, पहले मैं इसमें इसके बारे में कुछ लिखा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। उसके बाद उसका फिगर भी है, उसको भी आपको समझा दे रहा हूँ। यह एक विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल तो आप समझ रहे होंगे, जो क्या देता करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, मतलब हमसे हमें क्या देती है? करंट देती है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें दो पात्र होते हैं, दो बर्तन होते हैं। एक पात्र में पोटेशियम सल्फेट का विलयन भरा होता है, जिसमें सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, जिसमें कॉपर की छड़ डूबी रहती। कॉपर सल्फेट के विलयन में किसकी छड़ होती है? कॉपर की छड़ होती है। तथा दूसरे पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है, जिसमें जिंक की छड़ डूबी होती है। दोनों विलयनों का संपर्क यू आकार की नली से होता है, जिसमें पोटेशियम सल्फेट का विलयन भरा होता है। इसे लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण सेतु। तो ध्यान से देखिए, अब फिगर में मैं समझा रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या होते हैं? दो बर्तन होते हैं, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है। इस बर्तन में भरा है जिंक सल्फेट का सांद्र विलयन, जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरा है, उसमें किसकी छड़ डूबी हुई है? जिंक की छड़ डूबी हुई है। और दूसरे में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, उसमें किसकी छड़ डूबी होती है? कॉपर की छड़ डूबी होती है। एक यू आकार की नली इन दोनों विलयनों को जोड़ती है। इसमें भरा होता है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या केसीएल। ठीक है, इसमें से किसी एक का विलयन भर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है पोटेशियम सल्फेट का विलयन भरा होता है। इसमें देखिए, विलयन ऐसे पदार्थ का भरते हैं जिसमें दोनों आयनों की विद्युत चालकता क्या होती है? समान होती है। जैसे पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन, दोनों की विद्युत चालकता क्या हो? समान हो। जब इसमें हम साल्ट ब्रिज में लवण भरते हैं, और इसमें जिसके मुंह पर, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, अगर अगर क्या भरा होता है? अगर अगर, ये लेई के जैसा, आटे के जैसा पदार्थ होता है, लेकिन इसमें से आयन जो होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ इसका मुंह किससे बंद होता है? अगर अगर से बंद होता है। यह एक लेई के जैसा, आटे के जैसा पदार्थ होता है। तो देखिए, इसमें होता क्या है? कुछ चीज़ें स्वतः होती हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स वाले चैप्टर में 11 में, कि अगर हम जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डाल देते हैं, तो जिंक की छड़ से कुछ परमाणु निकल कर Zn+2 आयन में परिवर्तित होते हैं और वह इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देते हैं। मतलब जिंक की छड़ से कुछ परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर Zn+2 आयन में परिवर्तित हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं? विलयन में। तो ये छड़ क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है। उसी प्रकार से इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, तो इसमें किसके आयन हैं? कॉपर के आयन हैं। और ये कॉपर के आयन किधर जाते हैं? ये कॉपर की आयन जो हैं वो जाते हैं कॉपर की छड़ के पास। तो इस छड़ पे जाते हैं, इस छड़ से क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, और इस छड़ से इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं। तो इस छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इस छड़ पे कैसा आवेश आता है? धनात्मक आवेश। और इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन चूंकि जिंक का परमाणु छोड़ के आया है, इस छड़ पर कैसा आवेश आता है? ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो जब इन दोनों छड़ों को हम आपस में जोड़ देते हैं, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, विद्युत धारा का प्रवाह किधर होता है? धन से ऋण की तरफ होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये वोल्ट मीटर है, इसको क्या लिख लेना? वोल्ट मीटर। ठीक है, अब ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है, तो विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा मैंने देखी, ये दिखाया विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। ये इसको नली को क्या कहते हैं? लवण सेतु कहते हैं, साल्ट ब्रिज कहते हैं। इसमें भरा क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट।
इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है विद्युत उदासीनता को बनाए रखना और विद्युत परिपथ को पूर्ण करके धारा का प्रवाह करना। यह जो होता है सर्किट को कंप्लीट करने में रोल निभाता है। और दूसरा बात क्या होती है, यह बिलियन को विद्युत रूप से क्या करता है, उदासीन बनाए रखता है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, यहाँ से एक जिंक का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन इस क्षण पे छोड़ दिया और कहाँ आ गया, बिलियन में। तो बिलियन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये पूरा बिलियन पे कैसा आवेश आ गया, पॉजिटिव आवेश आ गया। क्षण पे कैसा आवेश है, निगेटिव आवेश। तो ये जो पॉजिटिव विलयन होता है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, कॉपर +2 आयन जब इस पे जाके चिपक रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो सल्फेट आयन तो इसी विलयन में है, तो ये विलयन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये पूरी क्षण कैसी है, पॉजिटिव। विलयन कैसा है, निगेटिव है। तो ये धनावेश को, इस विलयन का जो ऋणावेश है वो क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यानी विद्युत धारा का प्रवाह जब तक आप इस लवण सेतु को नहीं लगाएंगे नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में 1-2 मिनट के लिए होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। बात समझ रहे होंगे, जब इस विलयन पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये निगेटिव को ऊपर जाने से रोकेगा, और जब इस विलयन पर ज़्यादा निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव को ऊपर जाने से रोकेगा, इसमें करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो ये साल्ट ब्रिज करता क्या है, जैसे ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर इस विलयन में अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो इसमें क्या है, पोटेशियम सल्फेट है, एक सल्फेट आयन इधर आ जाएगा। तो जब एक सल्फेट आयन इधर आएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो आके न्यूट्रल कर देगा। अब इस विलयन में किसका कैसा चार्ज बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, धीरे धीरे सल्फेट आयन आएगा। तो सल्फेट, सॉरी, इस विलयन पे कैसा, इस विलयन में कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पोटेशियम आयन। तो साल्ट ब्रिज से पोटेशियम आयन इधर आएगा, ठीक है, और साल्ट ब्रिज का जो सल्फेट आयन होगा वो इधर जाएगा। इस तरीके से ये विद्युत उदासीनता को बनाए भी रखता है और क्या करता है, ये क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव में भाग भी लेता है। तो यह आपका क्या है, मेरी समझ से यह वोल्ट मीटर है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो यह क्या है, अर्धअभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कॉपर +2 आयन विलयन से जा रहा है छड़ पर और इससे इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदल जा रहा है, छड़ पे चिपक जा रहा है, इस पर क्या हो रहा है, अपचयन। इस पर क्या हो रहा है, अपचयन। इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है, एनोड, और जिस पर अपचयन होता है उसे क्या कहा जाता है, कैथोड। इसको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि एनोड और कैथोड का मानक निगेटिव और पॉजिटिव नहीं है। ये मत सोचना कि भाई जो पॉजिटिव है वो एनोड है, जो निगेटिव है कैथोड, ऐसा नहीं। देखिए इसका जो एनोड है वो निगेटिव प्लेट है, देख रहे हैं ना, और इसका कैथोड क्या, पॉजिटिव प्लेट। तो इसका मानक क्या, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण उसे क्या कहते हैं, एनोड, और जिस पर अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ये दोनों रिएक्शन तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, डेनियल सेन में होने वाली अभिक्रिया, अगर आप दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे, लिख के, मैंने लिखा नहीं, आप लिख के जोड़िएगा तो मैं जोड़ के दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको जोड़ना है। देखिए Zn सॉलिड, ये चेंज हो रहा है किस में, Zn एक्वस, मतलब ये विलयन में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, और उसमें यहाँ पर +2 चार्ज है और Cu +2 इक्वस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके किसमें बदल रहा है, Cu में। तो जब आप दोनों रिएक्शनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कट जाएंगे।
तो हमें रिएक्शन क्या मिलेगी, सेल रिएक्शन क्या मिलेगी, जेड एन सॉलिड सी यू प्लस टू एक्वस तीर का निशान जेड एन प्लस टू एक्वस और यहाँ पर सी यू सॉलिड। ठीक है, तो ये आपकी सेल अभिक्रिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्ट, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब डेनियल सेल को निम्न प्रकार व्यक्त करते, इस सेल को हम व्यक्त कैसे कैसे करते हैं, देखिए जो आप फिगर में देखिए, जो इधर वाला फिगर है लेफ्ट, ये राइट है लेफ्ट है, तो लेफ्ट में क्या हो रहा है, जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और राइट लेफ्ट में हो रहा है, राइट में क्या है, कॉपर आयन जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, सेल निरूपण ऐसे लिखेंगे, जेड एन एस ये चेंज हो रहा है जेड एन प्लस टू एक्वस में, ये साल्ट ब्रिज पढ़ा जाता है, लवण सेतु। ठीक, सी यू प्लस टू एक्वस किसमें चेंज हो रहा है, सी यू सॉलिड। तो ये क्या है, डेनियल सेल का सेल निरूपण। एक वर्ड आप याद रखिएगा, इससे काफ़ी आसानी होती है, लोन। लोन का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट में जो होता है उस पर होता है ऑक्सीकरण, एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीकरण, ए से एनोड और एन से निगेटिव, यानी जो लेफ्ट में होता है उस पर ऑक्सीकरण होता है और वह एनोड होता है और उस पर चार्ज कैसा आता है, निगेटिव चार्ज आता है। इस चीज़ को आपको मैं समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट वाला पोर्शन यही है, इस पर देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट में ऑक्सीकरण हो रहा है, इसे कहते क्या, एनोड कहते हैं, और इस पर चार्ज कैसा आया, निगेटिव चार्ज। अगर आप लोन शब्द याद रखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप जिधर मन कहे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को बना लेना, ऐसा नहीं करना, जिंक सल्फेट उसी में भरा जाएगा जो बर्तन कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, और कॉपर सल्फेट उसमें भरा जाएगा जो राइट में होगा। उसी तरीके से सेल रिएक्शन में भी लिखना, उसी तरीके से लिखना, लेफ्ट में ऑक्सीकरण और ये इस पर चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव, और होगा क्या इस पर, ये एनोड होगा, राइट में क्या होगा, अपचयन होगा, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये होगा क्या, कैथोड। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।